और ये अरबन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं और ये हमारे अरबन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आप लोग कई बार बात करते रहते हैं, अफजल गुरु की बात करते हैं, याकूब मेमन की बात करते हैं कि उनके लिए जो है वो रात रात में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे खोल दिए और उनकी सुनवाई की। हालांकि उस सुनवाई में हुआ कुछ नहीं, फांसी तो उनको फिर भी मिली। लेकिन आज एक घटना हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार के दिन, तो शनिवार जो है वो उनका अवकाश रहता है, शनिवार के दिन उन्होंने बैठकर सुनवाई की और एक ऐसा ख़तरनाक, बहुत ही दुर्दांत आतंकवादी, और वो आतंकवादी कैसा, वो आतंकवादियों का ब्रेन है, उसकी सुनवाई की। और कल नागपुर में जो बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसने उनका जो कन्विक्शन था उसको सेट असाइड कर दिया था। यानी उनको जो कन्विक्ट किया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया गया। 6 थे ये जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किए थे, जिसमें जीएन साई बाबा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, बाद में जब ये पकड़ा गया और इसके विरुद्ध चार्जशीट UAPA में दायर हुई तो इसको फिर वहाँ से निकाल दिया गया, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो अब आप ये देखिए कि ट्रायल कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद जब इनकी अपील गई, महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी थी, इनकी अपील हुई नागपुर में, क्योंकि ये काम जो ज़्यादातर करते थे वो गढ़चिरौली जो क्षेत्र है विदर्भ में, वहाँ पर माओइस्ट का, माओवादियों का बहुत गहरा एक जाल है, और वो जो क्षेत्र है वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तेलंगाना के और छत्तीसगढ़ से, उनसे मिलता जुलता है। तो ये पूरा एक त्रिकोण है जिसमें महाराष्ट्र का गढ़चिरौली क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ का, और तेलंगाना, उत्तरी तेलंगाना का जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश का, और कुछ उड़ीसा का भी क्षेत्र इससे मिलता जुलता है। ये पूरा जो है जिसको हम कहते हैं नक्सलियों का केंद्र है, एक केंद्र बिंदु है, एपिसेंटर है जिसको हम कहते हैं। तो इस एपिसेंटर में षड्यंत्र के कारण इनको पकड़ा गया था 2013 और 2014 में, यानी ध्यान रहे आपको, 2013 और 2014 में इनको पकड़ा गया था, और 2013 और 2014 में महाराष्ट्र में सरकार जो थी, जिस समय इनको पकड़ा गया था तो उस समय सरकार जो थी वो कांग्रेस NCP की हुआ करती थी। उसके बाद फिर सरकार आ गई महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की, और इनका जो ट्रायल हुआ उसमें सरकार ने ध्यान दिया और इनको कन्विक्ट किया गया। इनमें से साईं बाबा और 4 लोग जो थे वो तो आजीवन कारावास के भागी बने, और एक जो व्यक्ति था उसको 10 साल की सजा मिली। अब जब इनकी अपील होती है हाई कोर्ट में, उस समय तक सरकार आ गई थी MVA सरकार ने, तो ऐसा बताया जा रहा है कि MVA सरकार ने जानबूझकर अपील में कोई रुचि नहीं ली, और इस कारण से भी, और कुछ हम कहेंगे कि हमारी जो न्यायपालिका है उसका एक बड़ा तबका जो है वो एक्टिविज्म से प्रेरित है। आपने अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय भी देखे होंगे, और उस एक्टिविज्म से प्रेरित होकर उन्होंने बिना मेरिट में जाए हुए और प्रोसीजरल ग्राउंड पर इनको राहत दे दी और कहा कि नहीं, चूंकि प्रोसीजर में कुछ कमी रह गई है इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। UAPA जैसे एक्ट में और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध में हमारे न्याय मूर्ति लोग जो हैं वो इस तरह की मैकेनिकल अप्रोच अपनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस MR शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच जो थी वो कल विशेष रूप से गठित की गई, आज शनिवार को सुनने के लिए। ये भी मुझे लगता है कि
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी होता है कि जब किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर इस प्रकार की बेंच गठित की गई हो, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ तो बदलाव की बयार कहीं ना कहीं है। और इस विशेष बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। साईं बाबा और जो बाकी पांच हैं वो वैसे के वैसे जेल में रहेंगे। बार बार ये किया गया कि साईं बाबा जो है उसको आप हाउस अरेस्ट कर दीजिए, तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने इसको काउंटर किया। उन्होंने कहा कि टेररिज्म के लिए हाउस अरेस्ट किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये ब्रेन है, ये मस्तिष्क है, ये जो है ये खुराक है जो देता है पूरे आतंकवाद को। ये व्यक्ति, ये साईं बाबा, और ये केवल 50 वर्ष का है, यद्यपि अपंग है, लेकिन अपंग होते हुए भी इसका मस्तिष्क जो है वो इतना चैतन्य है कि ये चारों तरफ सारे खुराफात करके पूरा नेटवर्क चला लेता है। ऐसे व्यक्ति को तो जेल में ही रखा जाना चाहिए। दोनों न्यायाधीश महोदयों ने उनकी बात सुनी, उसके ऊपर ध्यान दिया, और हम आपको ये बता सकते हैं सहर्ष कि नागपुर बेंच का जो ऑर्डर था हाईकोर्ट का, उसको निलंबित कर दिया गया है। जो बातचीत हुई कोर्ट में वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो बार बार कह रहे थे कि साहब नहीं, ये तो अन्याय हो रहा है, हमारा जो मुवक्किल है खासतौर से साईं बाबा जो है वो तो अपंग है, पहले भी मेडिकल बेल भी नहीं दी गई उसको, इत्यादि इत्यादि, तरह तरह के जिसको हम बोलते हैं जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेफ्टिस्ट भी खेलते हैं, इस्लामिस्ट भी खेलते हैं, आजकल मिशनरी भी खूब खेलते हैं, और सारा विक्टिम कार्ड खेल के पूरी तरह से जजेस को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन्होंने केवल लीगल पॉइंट्स बनाए और विशेषकर इस पर ध्यान केंद्रित किया कि यदि आपने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मुद्दा ट्रायल कोर्ट के समय नहीं उठाया था, तो अब ये कैसे रेलेवेंट हो गया। इसके अतिरिक्त मेरिट में कोर्ट क्यों नहीं गया, क्योंकि यदि कोई इरेगुलरिटी है भी तो ये क्योरेबल इरेगुलरिटी है, ये इनक्योरेबल नहीं है, कि जिसके कारण इतने गंभीर अपराधों में लिप्त जिसमें कि भारत की अखंडता, संप्रभुता, पब्लिक ऑर्डर सब कुछ जिसमें इन्वॉल्व है, उसमें भी आप इसको नहीं कर सकते। तो इसलिए स्वागत करना चाहिए, जहां अच्छा कोई निर्णय आए तो निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए। तो इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, और जो नक्सलियों, माओवादियों, हमारे पंचमक्कार तत्वों के मुंह पर जो तमाचा पड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी भी इसके फेवर में कल बोले थे, राहुल गांधी को ये याद नहीं रहा कि उन्हीं की सरकार थी जिसने इन लोगों को गिरफ्तार किया था। अब राहुल गांधी जो है वो पूरी तरह से माओवादी बनते चले जा रहे हैं, माओवादी, नक्सलवादी, पंचमक्कार, जो तो पंचमक्कार, षष्ठमक्कार, सप्तमक्कार सब कुछ बनते चले जा रहे हैं। तो स्वागत करते हुए एक बार पुनः आपको जय हिंद, वंदे मातरम।